क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, अ लेमिना इज मेड बाई रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क ऑफ डायामीटर 2R फ्रॉम अ बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड रेडियस 2R. ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू ओ एंड पी इज आई ओ एंड आई पी रिस्पेक्टिवली. बोथ दिज एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना, देन आई पी अपॉन आई ओ टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है. तो देखो ये ऑलरेडी इसमें से ये डिस्क हमने रिमूव कर दी है. ठीक है, तो देखो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसमें से कुछ पार्ट हमने रिमूव कर दिया है, तो प्रोसेस सुपरपोजिशन का यही कहता है कि पहले हमको कंप्लीट डिस्क के लिए निकालना पड़ेगा और उस कंप्लीट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से हमें इस छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा अगर हम कंप्लीट डिस्क का मास, कंप्लीट डिस्क का अगर हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए 4m ले लें, तो मास कट पार्ट का m के इक्वल आएगा. ठीक है ना, क्योंकि उसका एरिया 1/4 है. तो चलो निकालते हैं, जैसे पॉइंट O के अबाउट अगर निकालेंगे, तो पॉइंट O के अबाउट कंप्लीट डिस्क के लिए अगर लिखेंगे तो mr² / 2 का फॉर्मूला लगेगा. तो m इंटू r² / 2 और इसमें से माइनस करेंगे उस छोटे वाले डिस्क के लिए. तो छोटे वाले डिस्क के लिए ये जो पॉइंट है ये इसके सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस पे है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 3/2 mr² का. तो बनेगा 3/2 mr². तो ये आ जाएगा io. इसी तरह से अगर हम ip निकालेंगे तो बड़े वाले डिस्क के लिए ये 3/2 mr² वाला फॉर्मूला लगेगा. तो बड़े वाले डिस्क के लिए लिखेंगे 3/2 m की जगह 4m, r की जगह 2r. और माइनस छोटे वाले डिस्क का अगर हम p पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं तो पहले हमको इसके सेंटर के अबाउट लिखना होगा, फिर उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करना होगा, जिसमें ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो ये √5r आएगा. चेक कर लो. तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वल टू पहले उसके सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट होगा mr² / 2 और फिर mh², तो mh² में 2r √5r बोला ना, तो 5r² ये और आएगा. तो ये IP निकल के आएगा. तो फाइनली हमें IP अपॉन IO कैलकुलेट करना है. तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर इसका मैच कर जाना चाहिए, 3 के आसपास है. नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है तो इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आएगा.